घोसी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने ऐसा राजनीतिक दांव खेलकर राजनीतिक धुरंधरों के सारे कयासों को फेल कर दिया। सूत्रों की माने तो दारा सिंह चौहान एक बार फिर से घोसी विधानसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी दारा सिंह चौहान पर ही दांव आजमा सकती है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने से खाली हुई घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, वहीं 8 सितंबर को परिणाम आएंगे। अब जब उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है तो ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। कयासों के बाजार में बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान का नाम आगे आने के बाद सबकी नजर समाजवादी पार्टी पर है कि अखिलेश इस बार यहां से किसे उम्मीदवार बनाते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर चर्चा है कि घोसी सीट पर पार्टी एक बार फिर से बाहुबली नेता सुधाकर सिंह पर दांव आजमा सकती है। 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2022 के उपचुनाव के लिए भी सुधाकर सिंह ने दावा तो ठोका था, पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद सपा ने सुधाकर सिंह का पत्ता काटकर दारा सिंह चौहान को घोसी से उम्मीदवार बना दिया। दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीतकर घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और बाहुबली नेता ने अपना पर्चा भी भर दिया था, लेकिन चुनाव से एन पहले सपा ने सुधाकर सिंह का टिकट काट कर बीएसपी छोड़कर साइकिल पर सवार होने वाले उमेश पांडे को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि उमेश पांडे 2022 के चुनावों में सपा का टिकट पाने के लिए पहले भी विधायक रह चुके हैं। 2019 के उपचुनाव और 2017 के चुनाव में मिली हार से पहले सुधाकर सिंह 2012 के चुनाव में सपा के टिकट से जीत दर्ज करके विधानसभा जा चुके हैं। उससे पहले भी उन्होंने मधुबन सीट से एक दफा जीत का स्वाद चखा था। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किस पर दांव आजमाएगी ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन सपा के सामने इस चुनाव में सीट बचाने की चुनौती है और एक बार फिर से अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नारे की भी परीक्षा है। वहीं बीजेपी फिर से इस सीट पर जीत हासिल करना चाहेगी। अखिलेश यादव के पीडीए की परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता वाली घोसी विधानसभा क्षेत्र में करीब 80,000 मुस्लिम वोटर, करीब 60,000 दलित, 55,000 से ज्यादा यादव और 52,000 राजभर वोटरों के साथ साथ करीब 46,000 चौहान मतदाता हैं। ऐसे में इस जातीय समीकरण के साथ अखिलेश यादव यहां जीत की उम्मीद तो किए बैठे हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना कैंडिडेट बनाया, जिनकी नौनिया चौहान में अच्छी खासी पकड़ है, साथ ही अब तो ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के साथ हैं, जिसके बाद से घोसी की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है।